प्रखंड क्षेत्र के चिलनिया पंचायत के वार्ड नंबर 9 मुस्लिम टोला गांव के लोग आज भी पगडंडी के सहारे आवागमन करने में मजबूर है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में रतवा नदी, पश्चिम में गोरियाधार, बीच में एक टापू में तब्दील वार्ड नंबर 9 जो आज भी कल्याणकारी लाभकारी योजना से कोसों दूर है, आज भी लोग पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। चिलनिया पंचायत और ये जो है ना रोड घाट जो है ना हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब जाने आने का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ जो है ना दक्षिण तरफ गोड़िया नदी है और उत्तर साइड वो क्या कहता है फुलबड़िया वाला नदी है रेतवा जो है, मतलब यहाँ का इतना संभव खराब है ना क्या बताऊँ, आने जाने का बहुत तकलीफ होता है। आप लोग सांसद विधायक जिला पदाधिकारी को आवेदन दिए हैं? हाँ दिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। बस आता है खींच लेता है फोटो वोटो दो चार, बस फिर जाकर क्या करता है नहीं करता कोई। बरसात में आप लोग कैसे यहाँ से निकलते हैं? रास्ता तो है नहीं, चारों तरफ ब्लॉक, बहुत तकलीफ है। यहाँ पे निकलने का कोई संभावना नहीं है, जो घर में बनता है वही खा लेता हूँ, दाल चावल जो भी। क्या मांग करते हैं आप जिला पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से? रोड घाट दो और मतलब आने जाने का अच्छा संभावना हो, मतलब और क्या मांग करेंगे, सुविधा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नवलेस सालम। घर चिलनिया पंचायत वार्ड नंबर 9 में। चिलनिया पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर कई बार जनप्रतिनिधि विभाग को आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक सड़क निर्माण नहीं हो सका। इसी रास्ते होकर लोग प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय, हाट बाजार, हॉस्पिटल के लिए आना जाना करते हैं। वहीं सड़क कई जगह पर ध्वस्त हो जाने से राहगीरों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार व विभाग से पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग की है।